नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेमिना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि उनका स्टेमिना बहुत ज़्यादा कम है या फिर उनका स्टेमिना बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन दोस्तों, आपने कभी सोचा ये स्टेमिना होता क्या है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि स्टेमिना का मतलब होता है आपके शरीर की एनर्जी यानी कि ऊर्जा व आपका आंतरिक बल। जी हाँ दोस्तों, अगर जनरली बोलें तो स्टेमिना यानी कि कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी काम को मानसिक या शारीरिक रूप से लंबे समय तक जारी रख पाना। वैसे तो दोस्तों, लोग जनरली स्टेमिना का मतलब केवल शरीर की एनर्जी ही मानते हैं, लेकिन असल में यह मानसिक कार्यों को भी लंबे समय तक जारी रखने से भी जुड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि शरीर में अगर स्टेमिना कम है आपके, तो उसको आप पहचान किस तरीके से सकते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ी दूरी पर चलने पर ही या फिर कुछ सीढ़ियां चढ़ते ही आपकी सांस फूलने लग जाती है या फिर आपको थकान महसूस होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा आप थक जाते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका स्टेमिना कम है। इसके अलावा किसी भी शारीरिक या फिर मानसिक काम को लंबे समय तक आप नहीं कर पाते हैं और कुछ देर में ही थक जाते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि आपका स्टेमिना कम है। इसके अलावा बिना मेहनत किए आपको पसीना आ जाता है, तो यह भी कम स्टेमिना की पहचान है। इसके अलावा आपको भूख नहीं लगती है, यह भी कम स्टेमिना की पहचान है। इसके अलावा खुद को हर वक्त थका थका सा महसूस करना या फिर चक्कर आना, इसके अलावा आंखों के सामने कभी कभी धुंधलापन छा जाना, किसी काम को करने में मन ही नहीं लगना, हाथों और पैरों में दर्द हमेशा महसूस होते रहना या फिर बहुत ही ज़्यादा नींद आना, तो ये सारे वो चीज़ें हैं जिसके जरिए आप अपने शरीर को पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में स्टेमिना कम है। क्योंकि ये कम स्टेमिना के एक लक्षण इन्हें मान लीजिए जो कि बताते हैं आपको कि आपके शरीर का स्टेमिना कम है। अब आपको बताते हैं दोस्तों इसके मेन कारण कि आखिर शरीर का स्टेमिना कम क्यों होता है। तो इसकी तीन मुख्य वजह होती है, वो कौन कौन सी है? तो दोस्तों, पहली वजह होती है नींद की कमी। जी हाँ, जो लोग रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद तक नहीं ले पाते, उनके शरीर की ताकत धीरे धीरे करके खत्म होने लगती है, जिससे उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता, किसी भी काम में एनर्जी वो नहीं दे पाते या फिर वो एनर्जी नहीं लगा पाते जो कि एक काम को करने में लगनी चाहिए। तो दोस्तों, नींद की कमी इसका सबसे पहला कारण है। बात करते हैं इसके दूसरे कारण की, जो कि है पानी बहुत ज़्यादा कम पीना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप भर भर के गिलास भर भर के पानी पिए, लेकिन ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि बहुत ही कम पानी का सेवन करते हैं। आपको बता दें कि हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना है, जो कि सभी लोग जानते हैं। ऐसे में अगर शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होगा तो स्टेमिना कम होने लगता है, इसलिए ज़रूरी है कि पर्याप्त मात्रा में पानी ज़रूर पिएं। दोस्तों, बताते हैं आपको तीसरा कारण होता है कार्बोहाइड्रेट की कमी। जी हाँ, आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट का सेवन ही शरीर को सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। ऐसे में अपने खान पान में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बैलेंस बनाएं, ना ज़्यादा बढ़ाएं ना कम बढ़ाएं। अगर एक बैलेंस में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा शरीर में रहे तो स्टेमिना धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है और खोया हुआ स्टेमिना वापस आने लगता है। तो दोस्तों, ये थी कुल मिला के जानकारी स्टेमिना के बारे में कि स्टेमिना को किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि हमारे शरीर में स्टेमिना कम है, या फिर स्टेमिना कम होने के मेन कारण क्या क्या होते हैं, जो कि आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की एक और अहम जानकारी आप सभी लोगों के लिए, जो थी यही समाप्त। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँच पाए।